हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम है फावाद और आप देख रहे हैं फावाद यूट्यूब चैनल। आज मैं जो ट्रेलर आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ और जिस पर मैं बात करूँगा वो है बॉलीवुड की नई आने वाली मूवी स्त्री। उसके जो मेन स्टार कास्ट हैं राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर, किसी तारीफ के मोहताज नहीं है दोनों एक्टर। काफ़ी वर्सटाइल एक्टर हैं राजकुमार राव, उनको मैंने हर किस्म के रोल्स में देखा है, लेकिन जो उनकी एक्टिंग में इंटेंसिटी है इट्स अमेजिंग। सो सबसे पहले कि हम मज़ीद एक्ट्रेस के बारे में या फिल्म के बारे में बात करें तो आइए ट्रेलर देखते हैं, फिर मैं उसके बारे में रिव्यू भी दूंगा, अपना रिएक्शन भी दूंगा। स्त्री के बारे में क्या पता है आपको? कई साल पहले शहर में एक सुंदर आकर्षक विषया हुआ करती थी। शहर का हर पुरुष उसके सपने देखा करता। आखिर उसको एक ऐसा मर्द मिला जो उसके शरीर से नहीं उसकी आत्मा से प्यार करता था, सच्चा प्यार। और एक तुम्हारी जनरेशन का प्यार है, फर्स्ट टाइम देखा तुझे लव हो गया, सेकंड टाइम में सब हो गया। कहां जा रही है हमारी युवा पीढ़ी? नहीं, हम तो सब बनाते हैं कंप्लीट लेडीज फैशन। घाघरा, लहंगा, चूड़ीदार, पटियाला, अनारकली, मॉडल सलवार, पाकिस्तान सलवार, लॉन्ग कुर्ती, शॉर्ट कुर्ती, गरारा, शरारा, मिरर वर्क, स्टोन वर्क, डिजाइनर पेंटी, नाइट फाल, नाइटी फाल। तेरे बारे में तो सबसे सुना है, सबको पता है कि तू अप्सरा है। मैं तो यहाँ नहीं रहती, लेकिन पूजा के टाइम हर साल आ जाती हूँ। इतना पता है कि कोई गुफा है, लेकिन गुफा जी। हाँ, मैं हाथ पकड़ा और बोली विक्की प्लीज। क्या तुम्हारा हाथ पकड़ा और बोली विक्की प्लीज? विक्की प्लीज भाई, तो कह रहे हैं विक्की प्लीज। तुम्हारे अंदर ना प्रेम भाव ही नहीं है, हाथ लाओ विक्की प्लीज। प्रॉब्लम होती है क्या? नहीं, क्यों? मोर है, मोर की चोट लंबी है, जैसे हम आपको देख के मंत्रमुग्ध हो। तुम्हारी गर्लफ्रेंड भूतिया है साले। क्या बकवास कर रहे? क्यों हर साल तुम्हारी साली एक गर्लफ्रेंड पूजा के टाइम ही आती है और बाद गायब हो जाती है? अगले चार रात वो शिकार पे आने वाली है। कौन? स्त्री। तो पुरुषों को उठाती है और सिर्फ वस्त्र छोड़ती है। तो पहले तुम्हें तुम्हारे नाम से पुकारेगी। तुम्हें क्या करना है? फौरन चप्पल निकालो, हाथ में लो और भागो। उसको सबका नाम कैसे पता चल जाता है? सबका आधार लिंक है उसके पास। कुछ भी हो जाए पलटना मत। देखना आज तो साले के कपड़े ही मिलेंगे। खुलता कैसे? उसकी आंखों में देखो, आंखों में प्यार की भूखी है वो, प्यार से देखो। प्यार? और प्यार से देखो। अरे हमारी गांठ पटी हुई है, कहां से लाएंगे प्यार? ज़बरदस्त ट्रेलर। ट्रेलर के दो हिस्से हैं जहाँ तक मुझे समझ में आया है। पहले हिस्से में वो थोड़ा सा रोमांस दिखाते हैं कि राजकुमार राव थोड़े से बुद्धू टाइप के हैं, दर्जी का उनका कैरेक्टर है, तो वो श्रद्धा कपूर को देखते हैं और उनके प्यार में पागल हो जाते हैं। तो किस तरह से स्टोरी बिल्ड होती है विद इन द ट्रेलर, लेकिन जो सेकेंड पार्ट आता है जिसमें वो हॉरर फीलिंग दिखाते हैं कि श्रद्धा कपूर और कोई और, खुद भी एनीवन, ट्रेलर से ऐसा समझ में नहीं आ रहा है कि श्रद्धा कपूर ही एक चुड़ैल है जो सिर्फ पूजा के वक्त आती है हर साल और सिर्फ मर्दों के ऊपर अटैक करती है और मर्दों को ले आते हैं, कपड़े पीछे छोड़ देते हैं। इस ट्रेलर को देख के मुझे आई थिंक मैंने कहीं पढ़ा था, ये काफ़ी अर्से पहले की बात है, इंडिया का ही वाक़या है ये, मैं बंगलोर में है शायद, तो वहाँ पर भी कोई कुछ लोगों ने इसी तरह से एक हवा छोड़ा हुआ था कि एक चुड़ैल की शक्ल में खूबसूरत सी औरत आती है और वो पूजा के दिनों में आती है या अमावस की रात जो भी है, और सिर्फ मर्दों के ऊपर अटैक करती है, औरतों पर अटैक नहीं करती।
तो उस चुड़ैल से बचने का उन्होंने क्या तरीका निकाला कि दीवार पे लिख दिया कि यहाँ पे कोई मर्द नहीं रहता, तो वो आती है पढ़ती है वो लाइन और चली जाती है। रिडिकुलसली स्टूपिड थिंग है ना। फिल्म की टैगलाइन भी यही है कि बेस्ड ऑन अ रिडिकुलसली ट्रू फिनोमेना, यानी कि लोगों ने इसी तरह की अफवाह छोड़ी हुई है कि चुड़ैल है वहाँ है, उस तरह आती है और मर्दों पर अटैक करती है और फला फला फला। तो मेरे ख्याल में उस फिनोमेना को बेस्ड बना के उन्होंने ये स्टोरी लिखी है। काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है ये स्टोरी टू बी ऑनेस्ट। राजकुमार राव, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में बोला था कि काफ़ी वर्सटाइल एक्टर हैं, इसमें काफ़ी ज़बरदस्त एक्टिंग है। जो लास्ट में उन्होंने एक्सप्रेशन दिए हैं कि तरह रोमांटिक करके दिखाओ, एक्सप्रेशन दो, कहता है फटी पड़ी है और तुम बोलते हो रोमांस करें, ब्रिलियंट। श्रद्धा कपूर, या शी इज़ लुकिंग स्टनिंग। कुल मिला के ट्रेलर काफ़ी जानदार है, इंटरेस्टिंग है, हॉरर कॉमेडी मूवी है। आप ट्रेलर देख के तो समझ ही गए होंगे। लास्ट ईयर रिलीज़ हुई थी गोलमाल 4 के गोलमाल 3 आई थिंक, इस तरह अजय देवगन की और बाकी जो पूरी टीम है उसकी। गोलमाल जो रिलीज़ हुई थी लास्ट ईयर, वो भी हॉरर कॉमेडी थी और बहुत बड़ी हिट हुई थी। इस फुल ये मूवी इतनी बड़ी हिट नहीं होगी, लेकिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग उसके कंटेंट लग रहे हैं मुझे, ज़बरदस्त कंटेंट है, कॉमेडी भी अच्छी है। तो लोकल कॉमेडीज होते हैं, आई ऑलवेज़ लव दम। काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। आई थिंक मुझे ये मूवी सरप्राइज ऑफ द 2018 लगी है आफ्टर ट्रेलर देखने के बाद। तो 31 अगस्त को रिलीज़ हो रही है। अगर आप राजकुमार या श्रद्धा कपूर के फ़ैन हैं तो ज़रूर सिनेमाघरों में देखने जाइएगा। आई थिंक डेफिनेटली आप महजूज होंगे फिल्म देखकर, मे बी वन टाइम वॉच और मे बी मोर देन वन टाइम वॉच। तो हॉरर कॉमेडी इज़ ऑलवेज आई थिंक फन टू वॉच एनीवे, आप बोर नहीं होंगे इस मूवी में, ये मेरी गारंटी है। आई थिंक अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। अपने कमेंट्स प्लीज़ ज़रूर मुझे दीजिएगा, आपके कमेंट्स के ज़रिए ही मैं अपने वीडियोस को इम्प्रूव और कंटेंट्स को इम्प्रूव कर पाऊँगा। तो अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, स्टे सेफ और खुश रहें। गुड बाय।